मुल्तान शहर की गलियां और सड़कें रात भर रहेंगी रोशन। गलियों, सड़कों, फ्लाईओवर पर कोई लाइट बंद नहीं होगी। औलिया इकराम की धरती को रोशनियों का शहर बनाने के लिए अमली इकदामात का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान इफ्तिखार सहू के शहर को तारीकी से निकालने के लिए मुतल्लिका इदारों को भी हंगामे इकदामात करने का हुक्म। कमिश्नर की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम यूनियन काउंसिल में स्ट्रीट लाइट्स फाल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इफ्तिखार सहू का कहना है कि तमाम स्ट्रीट लाइट्स को मुकम्मल फाल करके शहर को खूबसूरत बनाएंगे और स्ट्रीट क्राइम का खात्मा किया जाएगा। तमाम अहम शाहराओं, फ्लाईओवर्स और गलियों में स्ट्रीट लाइट्स फाल की जा रही है। शहर के दाखिली रास्तों को भी दीदा जेब सकाफती रंगों और लाइट से सजाया जाएगा। शहर के 8 फ्लाईओवर्स पर 444 पॉइंट्स पर लाइट्स को फाल किया जाएगा। 168 यूनियन काउंसिल में 57,414 पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स फाल और नस्ब की जाएंगी। अहम शाहराओं पर 1396 लाइट्स में 1056 को फाल और 340 को बहाल किया जा रहा है।